तो दोस्तों हम आ गए हैं इस्तांबुल में ग्रैंड बाज़ार के पास। ये यहाँ का बहुत ही बड़ा बाज़ार है जिसमें 3000 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है ये, हैंडमेड आर्टिकल्स, ग्लास के आर्टिकल्स, बहुत खूबसूरत यहाँ पर ग्लास की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, पिकल्स बहुत मिलते हैं, यहाँ की लोकल स्वीट्स जैसे कि टर्किश डिलाइट, बकलावा करके एक लोकल स्वीट होती है यहाँ की, वो बहुत फेमस है। तो ग्रैंड बाज़ार में जो है आपको हर चीज़ मिलेगी और यहाँ की सबसे बड़ी, इनफैक्ट पूरी कंट्री की, टर्की की सबसे बड़ी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शॉपिंग के लिए आपको हर चीज़ मिलेगी। तो ये अभी मैं ग्रैंड बाज़ार के बाहर खड़ी हूँ, बहुत ही बड़ा बाज़ार है ये और इसकी काफ़ी सारी एंट्रीज हैं। फिलहाल मैं गेट नंबर 7 के बाहर खड़ी हूँ, तो चलिए चलते हैं ग्रैंड बाज़ार के अंदर। जैसा कि मैंने बताया, ग्रैंड बाज़ार के अंदर जाने के लिए काफ़ी सारे गेट हैं। फिलहाल मैं गेट नंबर 7 के बाहर खड़ी हूँ, ये मेरे पीछे देखिए आपको गेट दिख रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाज़ार है। तो आप जहाँ से एंट्री ले रहे हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी एग्ज़िट उसी गेट से हो, अगर आप सेम पॉइंट पर वापस आना चाहते हैं तो, क्योंकि अब 3000 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं और काफ़ी चलना पड़ता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं और कहाँ पर वापस आते हैं। इसके अलावा आपको अपनी बिलोंगिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपने पर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि चोरी होने के भी आसार यहाँ पर हो सकते हैं। गिरिश मतलब एंट्री। जैसे आप बाज़ार के अंदर घुसते हैं आपको एक के बाद एक गलियां नज़र आना शुरू होती हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कहाँ से एंटर किए हैं, क्योंकि पतली पतली गलियां हैं काफ़ी, जैसे अपने चांदनी चौक होती है, तो आपको बहुत देखना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं अभी। ज्वेलरी काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिफरेंट टाइप की मिलती है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ज्वेलरी की शॉपिंग और ग्लास से बनी हुई चीज़ों की शॉपिंग ज़रूर करिएगा। अगर आप यहाँ की लोकल करेंसी टर्किश लीरा कैरी नहीं कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे करेंसी एक्सचेंज ऑफिसेज हैं, ग्रैंड बाज़ार में एंटर करने से पहले भी हैं और एंटर करने के बाद भी हैं, तो आप इजीली करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं और इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर डिफरेंट तरीके के स्पाइसेस हैं, मसाले जो यहाँ के बहुत फेमस हैं। इसके अलावा नीचे स्वीट्स रखे हुए हैं काफ़ी, सैफरिन बहुत फेमस है यहाँ का, ये देखिए आप सैफरिन। ये टी है, रोज टी, देन मिंट एंड लेमन, डिफरेंट फ्लेवर्स की टी भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। देन अगेन मसाले, एंड ये हम देख रहे हैं टर्किश डिलाइट, ये अलग अलग फ्लेवर में आती है और काफ़ी फेमस मिठाई है यहाँ की, ये देख सकते हैं आप टर्किश डिलाइट। और ये यहाँ की लोकल चॉकलेट्स, कैंडीज,
विद डिफरेंट फ्लेवर। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, ये डेकोरेटिव आइटम्स, और ये है यहाँ के फेमस चेस्टनट, 10 लीरा के 100 ग्राम। टेन लीरा मतलब हो गया करीबन 120 रुपया। आइए मैं आपको एक और नई चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर टर्की में आइसक्रीम कैसे सर्व करते हैं, लोकल आइसक्रीम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ सर्विंग आइसक्रीम। लेट्स सी। अमन 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 तुर्किश आइसक्रीम, तुर्किश आइसक्रीम, तुर्किश आइसक्रीम। हेलो हाउ आर यू? बाय बाय। वो इधर होगा सी। ओके। Caught in the crossfire.